बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आईएमएफ से मुज़ाकरात कब कामयाब होंगे, ये सवाल किया गया इसहाक डार साहब से। सहाफ़ी के सवाल पर इसहाक डार गुस्से में आ गए, आईएमएफ से मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं हो रहे। वज़ीर ख़जाना ने कोई जवाब नहीं दिया। इसहाक डार ने सिक्योरिटी अमले को सहाफ़ी का मोबाइल लेकर फेंकने को कहा, हुआ क्या आइए देखते हैं। वकार से इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आईएमएफ से मुज़ाकरात कब कामयाब होंगे ये सवाल किया गया था सहाफ़ी की जानिब से। इसका जवाब देने के बजाय इसहाक डार साहब गुस्से में आ गए। उनसे ये भी सवाल हुआ कि आईएमएफ से मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं हो रहे। इसहाक डार ने सिक्योरिटी अमले को सहाफ़ी का मोबाइल लेकर फेंकने को कहा, ये मनासर भी हमने आपको दिखाए। सवाल करना सहाफ़ी का काम है और सहाफ़ी अपना काम ही कर रहा था, जिस पर इसहाक डार साहब ने जवाब देना तो पसंद नहीं किया, अलबत्त सहाफ़ी का मोबाइल लेकर उसको फेंकने का कह दिया। क्या हुआ क्या आइए आपको एक बार फिर दिखाते हैं। वकार सईद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, मामला क्या हुआ, क्यों इतने गुस्से में आ गए इसहाक डार साहब? जी बिल्कुल, जैसे कि हर तरफ से एक ही सवाल है कि आया पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ जो मुआहदा है वो कब होने जा रहा है, और जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज मुलाकात हुई है आईएमएफ के सरबराह के साथ, उससे मुतल्लिक जो निजी टीवी के सहाफ़ी है उनकी जानिब से जो है वो इसहाक डार से सवाल किया गया, और उनकी जानिब से कहा गया कि बताया जाए कि क्या आईएमएफ के साथ जो है वो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। जिसके बाद शुरू में तो इसहाक डार जो है वो सवालात को जो है वो इग्नोर करते रहे। दाम कुछ ही देर बाद जब दोबारा उनसे सवाल किया गया तो उनकी जानिब से कहा गया कि आप जैसे लोगों की वजह से जो है ये मुआहदा नहीं हो पा रहा। जिसके बाद जो जैसे ही इसहाक डार आगे बढ़े तो वो सीखपा हो गए, और वो उन्होंने जो सहाफ़ी है उनसे मोबाइल भी छीनने की कोशिश की, जबकि जो निजी चैनल के जो सहाफ़ी है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उनको जो है वो इसहाक डार की जानिब से जो है वो थप्पड़ भी मारा गया। ताम उसके बाद इसहाक डार जो है वो वान से चले गए। ताम जो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे वो उस सहाफ़ी को जो है वो पार्लियामेंट हाउस में जो है वो ढूंढते रहे, और तकरीबन कोई जब वो नीचे यानी जो पीआरए ऑफिस है जहाँ पर सहाफ़ी बैठते हैं वहाँ तक के रेड कारपेट तक गए, और उसके बाद जो पुलिस एहलकार थे वो वापस चले गए। ताम जो सहाफ़ी है वो उन्होंने इसहाक डार से आईएमएफ के मुआहदे से मुतल्लिक जो है वो सवाल किया था, और उस सवाल पर जो है वो इसहाक डार सीख हो गए थे। इससे कबल भी पार्लियामेंट में जब इसहाक डार की से मुख्तलिफ मुख्तलिफ टाइम में आईएमएफ या मईशत से मुतल्लिक जो है वो सवालात किए गए तो उस पर वो जो है वो सीख पा नजर आए। शुक्रिया वकार, आपने अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर के नुमाइंदे खुसूसी जॉन कैरी से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने माहौलियात के मसले पर जॉन कैरी और अमरीकी हुकूमत की तरजीहात को सराहा है। माहौलियाती मसाइल दुनिया का मुश्तरका मसला है जिसके लिए मुश्तरका हिकमत अमली और कोशिशें दरकार हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से यह कहा गया, बढ़ते हुए माहौलियाती मसाइल खासतौर पर तरक्की पज़ीर ममालिक की तरक्की और शराय नमू को बुरी तरह से मुतासर कर रहे हैं। जावेद हुसैन इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, इस मुलाकात में क्या कुछ डिस्कस हुआ? जी देखें, जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फ्रांस के दौरे पर हैं और इस ये जो मुलाकात है दोनों कायदीन की मुलाकात नए आलमी मालियाती माहदे से मुतालिक आलमी सरबराही इजलास के मौके पर हुई है, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने माहौलियात के मसले पर जॉन कैरी और अमरीकी हुकूमत की तरजीहात को सराहा है, और वज़ीर-ए-आज़म ने जॉन कैरी से गुफ्तगू में कहा है कि माहौलियाती मसाइल दुनिया का मुश्तरका मसला है जिसके लिए मुश्तरका हिकमत अमली और कोशिशें दरकार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जॉन कैरी को माहौलियात के लिए अमरीकी तारीख में पहली बार अमरीकी सदर का नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर करना इस मसले की अहमियत का इदराक है, और बढ़ते हुए माहौलियाती मसाइल खास तौर पर तरक्की पज़ीर ममालिक की तरक्की और शरह नमू को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना था कि शदीद मुआशी मुश्किलात में अक्टूबर 2022 में आने वाले तबाहकुन सैलाब ने मसाइल को मजीद मुश्किल बनाया, और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया कि तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती मसाइल से तरक्की पज़ीर ममालिक के शरह नमू पर पड़ने वाले मनफी असर से निकलने में मदद के लिए खसूसी किरदार अदा करें। जॉन कैरी ने मौसमियाती तब्दीलियों के मसले से तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए खतरात में इजाफे से इत्तेफाक किया, और दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका कोशिशों के लिए राबते बरकरार रखने और मुशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल फ्रांस से लंदन पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 से 3 रोज लंदन में ही क्याम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में पाकिस्तान से सीनियर पार्टी रहनुमा भी शिरकत करेंगे। डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, क्या डिटेल्स हैं?
देखिए, वजीर आजम शहबाज शरीफ कल फ्रांस से लंदन पहुंचेंगे और जो शेड्यूल उनका तैयार किया गया है उसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए 2 से 3 रोज तक लंदन में क्याम करेंगे और वजीर आजम शहबाज शरीफ और पार्टी कायद नवाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात जो है वो होगी, जिसमें पाकिस्तान से सीनियर रहनुमा पार्टी भी शिरकत करेंगे और शहबाज शरीफ ने अपना प्लान तब्दील करके फ्रांस के दौरे के बाद लंदन रवाना होने का जो है वो प्लान तरतीब दिया है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मुलाकात में इंतखाबात की तैयारियों और निगरान सेटअप पर जो है वो तफसीली गुफ्तगू होगी और इसके साथ साथ ये भी तरतीब दिया गया है कि क्या अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने हैं तो क्या 3 से 4 दिन कबल असेंबलियां तहलील की जाएं, ये भी मामला जो है वो जेरे गौर आएगा और इसके साथ साथ निगरान सेटअप के हवाले से नवाज शरीफ के साथ मुशावरत की जाएगी और मुमकिन है कि शहबाज शरीफ की वहाँ मौजूदगी में एक वीडियो लिंक जो है वो पीडीएम का इजलास भी हो जिसमें मौलाना फजल रहमान वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करें और इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शामिल लिया जाए जिसमें हम मामला जेरे गौर लाए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन आपका। और यहाँ आपको बताएं कि ईद पर हुकूमत की जानिब से दी गई छुट्टियों पर नजरसानी का फैसला किया गया है। हुकूमत का 28 जून को भी छुट्टी देने का फैसला सामने आया, कुछ देर बाद बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान है। जावेद, इससे पहले 3 छुट्टियां अनाउंस की गई थी, अब 4 छुट्टियों का कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, इससे कबल जो है वो 29 से 1 जुलाई तक जो है वो छुट्टियों का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी हो चुका है और अभी तक जो है वही नोटिफिकेशन बरकरार है, लेकिन ये जराए बता रहे हैं कि कैबिनेट डिवीजन में इस बात की प्रपोजल दी गई है कि एक छुट्टी का इजाफा किया जाए जिसमें हुकूमत अब 28 जून को भी छुट्टी देने का पर गौर कर रही है और इस हवाले से बताया जा रहा है कि इस पर फैसला होते ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, लेकिन इस वक्त तक इम्कान है कि 28 जून को भी ईद की छुट्टियों में इजाफा 1 दिन का कर दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया जावेद, आपने अपडेट किया। माहिर कानून लतीफ खोसा ने कहा है कि हमारी इस्तेदा थी कि फुल बेंच समाप्त करे, ये भी इस्तेदा थी कि इस बेंच में 15 जजीज साहिबान बैठे। आज शुरुआत 9 जजीज के बेंच से हुई, 2 मुअज्जज जज साहिबान ने केस सुनने से माजरत कर ली। अब चीफ जस्टिस साहब ने 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया है जो आइंदा समाप्त करेगा। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक कर रहे थे। आज शुरुआत 9 जजेस के बेंच से हुई और आपने देखा कि 2 मुअज्जज जज साहिबान ने बावजूद वो इन कार्रवाई से जो है एतराज़ किया और फिर जज साहिबान ने दोबारा चीफ जस्टिस ने बाकी अपने हमराही जज साहिबान की मशावरत के साथ 7 रुकनी बेंच दोबारा तश्कील दी। तो ये इबहाम नहीं होना चाहिए अब कि 9 थे 9 से 7 कैसे बन गए, तो ये 7 रुकनी बेंच ही अब ये सुन रहा है और ये बेंच की तश्कीलें 9 हुई है। जिक्र करेंगे निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का, जो कहते हैं कि लेडी वेलिंगटन अस्पताल की बिल्डिंग का काफ़ी हिस्सा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं, कोई डॉक्टर जानबूझकर किसी को नहीं मारता। चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे वेंटिलेटर का इंतजार करते दिखाई दिए, अस्पतालों में मिस मैनेजमेंट है, हम जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि चिल्ड्रन अस्पताल का नाम मियो चिल्ड्रन अस्पताल रख रहे हैं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल की जो आप बात कर रहे हैं उसकी बिल्डिंग की कुछ हिस्सा काफ़ी ख़तरनाक है। CNW की टीम जो है वो उस पर काम कर रही है, वो एक डिटेल रिपोर्ट ईद के आगे पीछे हमें दे देगी, उसके बाद हम डिसीजन करेंगे कि उस हॉस्पिटल को किस तरह रिवैम्प करना। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चे वेंटिलेटर का इंतज़ार कर रहे थे और उसकी माँ जो है 8 घंटे से एमोबैग से उसको ऑक्सीजन दे रही थी, 8 घंटे से ऊपर गया खाली था। अब जब पूछा कि क्या है, उन्होंने कहा जी वो तो सर्जरी का वेंटिलेटर था। अरे भाई, किसी की जान बच जाए उसको डाल दो, ये मिसमैनेजमेंट है। कोशिश ये कर रहे हैं कि एटलीस्ट एक सिस्टम स्मूथ कर लें कुछ जगहों पे। मैं ये नहीं कहता कि हम कोई 100% फ़र्क डाल देंगे, 2% भी फ़र्क डाल दिया मेरा ख्याल है मैंने अपना हिस्सा डाल दिया। चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसका नाम, अब हम मेयो चिल्ड्रन हॉस्पिटल रख रहे, ना मैं मान सकता हूँ ना आप मानेंगे कि कोई डॉक्टर जान के किसी को मारेगा। मुलव्वस स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमात की तादाद 54 हो गई। FIA लाहौर जोन ने अब तक 17 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। लापता नौजवानों के खानदानों के DNA सैंपल्स हासिल कर लिए गए हैं। मजीद तफसीला जान लेंगे, आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद है। आदिल, अब तक क्या कार्रवाई हुई है?
आज देखिए यूनान कश्ती हादसे के बाद एफआईए की जानब से मुल्क भर में इंसानी स्मगलर्स और उनके सहूलतकारों और एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया है। मजमूई तौर पर एफआईए लाहौर सर्कल की जानब से 54 मुकदमात दर्ज करके तकरीबन 17 के करीब इंसानी स्मगलर्स और एजेंट्स जो हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। गुजरात सर्कल से 7, लाहौर से 2 और इसी तरह गुजरांवाला सर्कल से जो है वो 8 इंसानी स्मगलर्स को एफआईए की जानब से गिरफ्तार किया गया है, जिनसे बाकायदा तौर पर तफ्तीश भी जारी है एफआईए की। यूनान कश्ती हादसे में जो लापता लोग हैं उनके खानदानों के टेस्ट भी एफआईए की जानब से ले लिए गए हैं। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के बाद जो है ये तफसीली रिपोर्ट होगी, ये मुरतब करके यूनान में पाकिस्तानी सफारतखाने को भेजी जाएगी और लापता लोगों की शनाख्त का पता लगाया जाएगा। मुल्क भर में नेशनल टास्क एजेंसी की जो फोर्स का इजलास हुआ था डीजी एफआईए की जेर सदारत, उसमें ये फैसला किया गया था कि तमाम जितने भी सर्कल्स हैं उनके डायरेक्टर को हदायत जारी की गई है कि वो इंसानी स्मगलर्स और उनके सहूलतकारों के खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाइयां जारी करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल, आपने अपडेट किया। कराची की मलीर मंडी में बदीन से आए राजू और शेरू नामी बैल ने धूम मचा दी है। तनुमंद और खूबसूरत बैल खरीदारों को अपने जानिब मुतवज्जो कर रहे हैं। इन बैलों के मालिकान ने कीमत भी खासी भारी रखी है। मजीद बता रहे हैं इबादुल्लाह खान। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा जैसे जैसे करीब आती जा रही है कराची की मवेशी मंडियों की रौनकें और भी बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त मैं मलीर की मवेशी मंडी में मौजूद हूं और यहां पर आए हैं बदीन से राजू और शेरू। मेरा कैमरामैन इधर दिखा सके कि ये है शेरू और दूसरी तरफ राजू भी जो हैं वो जो आने वाले लोग हैं उनकी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं और ये हैं राजू। और क्या डिमांड कर रहे हैं इनके मालिक उनसे जानते हैं। जोड़े की बाइक कर रहे हैं 11 लाख, एक की कर रहे हैं 5.5 लाख। जी बिल्कुल, राजू और शेरू इस मंडी की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। जो भी आता है यहाँ पर इनको देखे बगैर इनके रेट पूछे बगैर नहीं रह पाता क्योंकि महंगाई बहुत है, आसमानों पर इन जानवरों की कीमतें चढ़ी हुई हैं। हर कोई चाहता है कि वो कुर्बानी करे सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए, अच्छे से अच्छा जानवर ले, लेकिन जेब के हिसाब से लोग आते हैं यहाँ पर, ख़रीदारी कर रहे हैं और यहाँ से अपने अपने पसंद के जानवर लेकर जा रहे हैं। जी, बलोचिस्तान की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में ईद के करीब आते ही कुर्बानी के जानवरों के खरीदो फरोख्त में तेजी आ रही है। बैलों के नरखों में बेतहाशा इजाफे ने खरीदार और व्यापारी दोनों को ही परेशान कर दिया है। मजीद बता रहे हैं फरीदुल्ला खान। क्वेटा के मशरकी बाईपास पर वाक़ सूबे की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में ईद कुर्बान के करीब आते ही खरीदारों का रश बढ़ गया। लोग अपनी माली हैसियत को मद्देनजर रख के कुर्बानी के लिए बैल पसंद करने में मसरूफ़ हैं, मगर जानवरों के रेट सुनते ही उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बड़े जानवरों की कीमत में गुज़श्त साल के मुकाबले में 100% इजाफा हुआ है। जो बैल 1 लाख 1 लाख 10 की थी वो इस टाइम जो हम लोग ने रेट लिए हैं वो तकरीबन 160-170 को टच की हुई है, तो महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई, गरीब के वजह से तो ये तेरी है, गुजर ही गई है। मवेशी मंडी में ज्यादातर भागनाड़ी नस्ल के बड़े कोहान वाले और पंजाब के बड़े सींगों वाले तगड़े तगड़े बैल लाए गए हैं जिनकी बोली 1 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक लग रही है। मवेशियों का व्यापार करने वालों का कहना कि माल जबरदस्त है मगर उनके निर्ख पूछने वाले ज्यादा और खरीदने वाले कम है। लेने वाला बोलता है कि महंगा है, देने वाला भी बोलता है कि भाई हम क्या करें, जो खर्चे इनके ऊपर हो रहे हैं कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, इस वजह से जो महंगा है। रेट तो अभी तक आई हुई है, कोई गाहक आया नहीं है अभी तक, समझ आया, बर अल्लाह मालिक है, अभी तक रहते 8-10 दिन, इसके बाद गाहक आ जाएगा। एक सर्वे के मुताबिक मुल्क के दीगर बड़े शहरों की निस्बत क्वेटा की मवेशी मंडी में बैलों के निर्ख मुनासिब हैं। व्यापारियों का कहना है कि मवेशी मंडी में लोगों का रश बढ़ने के साथ ही आने वाले दिनों में जानवरों की कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। कैमरामैन अब्दुल वहाब के साथ फरीदुल्ला खान, दुनिया न्यूज़, क्वेटा। तो ईद उल अज़हा में चंद रोज़ रह जाने के बायस कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में इजाफा हो रहा है। तगड़े जानवरों की मुँह मांगी कीमतें तलब की जा रही हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कठिन मरहला बन चुकी है। कराची से अली महदी की रिपोर्ट देखिए। ईद उल अज़हा की आमद करीब आते ही कुर्बानी की जानवरों की खरीदारी बढ़ गई। मरकजी मवेशी मंडी में रश होने के बायस व्यापारी के तेवर भी बदल गए। दीदा जेब भारी भरकम जानवरों की मुँह मांगी कीमत तलब की जाने लगी। मनपसंद जानवरों की अपने बजट में खरीदारी शहरियों के लिए कड़ा मरहला बन गई। जानवरों की कीमत तो बहुत ज्यादा हाई है, पैसे लगा रहे हैं लेकिन कोई जानवर वो व्यापारियाँ देने के लिए तैयार है नहीं। 5-6 मंथ तक का लेने का बछड़े का माइंड है लेकिन जो हमने पिछले साल लिया था 2.25 लाख में वही जानवर ये लोग बिल्कुल लास्ट करके 3.5 लाख से कम की बात कर नहीं रहे कि कम से कम इतने का देना है, हार्डली 50,000 कम कर रहे हैं ये लोग बस। व्यापारी भी भारी भरकम जानवरों की फरोख के लिए तगड़े खरीदारों के मुंतजर हैं। कहते हैं कि महंगाई के बायस अखराजात में नुमाया इजाफा हो गया है। आटा 6,000 रुपए मन है, तूड़ी 2,000 रुपए मन है,
और जो करा है 6000 रुपये, ये 2 साल घर में रखते हैं। आप सोचें कम से कम 2 लाख रुपये उसकी भलाई हो जाती है। ज़ाहिर 30-40 हज़ार का रोजी रखनी है ना। इस साल जो है ना खर्चा बहुत ज़्यादा है, किराया भी है और यहाँ पे मंडी में भी अखराजात हैं और यहाँ पे जो चीज़ें हम ले वहाँ से मिसाल के तौर पर 2000 में लाते हैं तो यहाँ हमें 4000 में मिलती है। तो इसी वजह से जो है ना ये हमारा खर्चा ज़्यादा है, इसी वजह से हम कीमत ज़्यादा मांगते हैं इनकी। मुंतजमीन के मुताबिक नॉर्दर्न बाईपास पर 700 एकड़ रकबे पर कायम मरकजी मवेशी मंडी में अब तक 5 लाख से जायद मवेशी लाए जा चुके हैं, जिसमें 3 लाख से जायद बड़े, 1 लाख से जायद बकरे और 25,000 से जायद ऊँट शामिल हैं, जबकि 1 लाख से जायद मवेशी फरोख्त हो चुके हैं। 1 लाख से ज़ायद जानवर जो हैं वो फरोख्त हो चुके हैं। आपको पता है कराची में जो ये खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला होता है वो आखिरी के 10 दिनों में होता है। इस साल जो है वो डिजिटलाइज मंडी कर दी है, सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटेड हो गई हैं। व्यापारी का यहाँ पर प्रॉपर जो है वो एक कार्ड बनाया गया है जिसके ऊपर एक बारकोड बना हुआ है। 24/7 यहाँ पर बैंक्स मौजूद हैं, आपको कैश कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मरकजी मवेशी मंडी में अंदरून मुल्क से जानवरों की आमद का सिलसिला अब भी जारी है। मुंतजमीन के मुताबिक मंडी में 7 लाख जानवरों की गुंजाइश रखी है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर खबर से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।